ये बचपन में हम लोग यूज करते थे इसको फल तोड़ने के लिए। तो एंट्री के साथ ही हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, हम लोग सेल्फी पॉइंट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको क्रिसमस कैंडल्स मिल जाएंगे, बस यही है महिलाओं लोग को डराने के लिए। बहुत बचपन की यादें ताजा कर दी आपने। तो यूनिक सा है हमारा, ये घास से बना है, ये उबरा पेंटिंग है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोगों को भी अगर शौक है होम गार्डनिंग करने का, मतलब ये पालना घर है यहाँ पे ना सिर्फ डे फिट का ही है। अरे वाह, मतलब ये तो मेरे से ही बड़ा है। हेलो नमस्ते गेम चुका सब, कैसे आप लोग। मैं पाकी कौशिक फिर से आज एक नई वीडियो लेके आप लोग के सामने फिर से गांधी मैदान में आया। गांधी मैदान में लग गया है साल का आखिरी मेला, सरस मेला, मतलब बिहार सरस मेला 2023। तो यहाँ की एंट्री फ्री है और हम लोग अंदर चल के आपको सैर करवाएंगे और अंदर जाके ही आपको दिखाएंगे कि इस बार मतलब लास्ट जो मेला लगने वाला है उसमें क्या क्या है। चलिए हमारे साथ अंदर। एंट्री गेट है हमारा गेट नंबर 4 एंड आप देख सकते हैं लास्ट टाइम जैसा सजा सजा था बिल्कुल वैसा ही लुक लग रहा है, बहुत ही शानदार सा एकदम मिट्टी का लेपा हुआ लग रहा है। सो मेला की शुरुआत तो हो गई थी 15 दिसंबर से, मींस कल से। तो कल भी हम आए थे बट क्या था ना, कल उद्घाटन नहीं हुआ था, शाम को उद्घाटन होने वाला था और बहुत कुछ अच्छे से लगा दगा नहीं था, मतलब लगा होगा नहीं था, सजा दजा नहीं था। आज फिर से आ गए 16 दिसंबर को एक्सप्लोर करने और दिखाते हैं इस बार हमारे सरस मेला में क्या क्या आया है, कौन कौन सा विभाग है, मतलब कौन कौन सा ब्लॉक है, क्या है ये सब। चलिए तो एंट्री के साथ ही हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड में भी बहुत सारा स्टॉल लग चुका है और इस साइड आपको बहुत सारे स्टॉल इस टाइप के मिल जाएंगे, जीविका है, जीविका से जुड़े मिल जाएंगे, आर्टिकल्चर मिल जाएगा, बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। साथ में कुछ आपको पर्यटन विभाग भी मिल जाएगा, कुछ आपको समझना मिलना एक्सप्लोरिंग करना है तो उसके लिए आप बुक वगैरह कर सकते हैं। ये ज्ञान भवन में भी लगा था, हाँ जी देख सकते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम इतना बड़ा कद्दू देखा है मैंने। इसका क्या लेंथ होगा, साइज क्या होगा? 6 फीट का ही है। अरे वाह, मतलब ये तो मेरे से ही बड़ा है कद्दू, इतना बड़ा कद्दू। ये कहाँ का है? हाजीपुर का है। अरे वाह, तो ये लोग ये आपने अपने गार्डन में ही उगाया है? वाह बहुत बढ़िया, इतना बड़ा कद्दू मतलब फर्स्ट टाइम देखा है, तो मेरे साइज से भी बड़ा है। इसका क्या कितने केजी का होगा? ये तो 7-8 किलो का होगा। तो इसको सेल पे लगाए हैं क्या यहाँ पे कि बस शो के लिए? अभी ये शो के लिए लगा है, इसका बीज मिल जाएगा। तो क्या जो बीज लेंगे उसका सेम साइज होगा? अरे वाह, कि अगर आपको चाहिए होगा इतना बड़ा कद्दू और आप उगाना चाहते हैं अपने गार्डन में तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे बीज। कितने का होगा पैकेट? सबका अलग है, इसका 30 रुपया। 30 रुपए का है। इस साइड एक तरह का फन जोन है, इधर आपको कैंप ऑफिस मिल जाएगा और उसमें में भी कुछ अभी काम ही चल रहा है। तो देखिए बच्चों के सेक्शन में यहाँ पे आपको झूला बहुत मिल जाएगा लगभग। धूप बहुत ज्यादा है, अभी देख सकते हैं बहुत ही कड़ा धूप है और ऐसे ही फर्नीचर वगैरह आप देख सकते हैं, फर्नीचर वगैरह बहुत सारा लगा है, डेकोर आइटम्स भी लगाया, अभी बहुत चीज लगना और बाकी भी है। सो सेल्फी पॉइंट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में फर्स्ट डिकल आए थे तो ये नहीं लगा था, आराम से अंदर जाके बैठ सकते थे पर अभी यहाँ पे लग गया है सेल्फी पॉइंट। तो बुद्धा जी बने हुए हैं और साथ में कुछ महिलाएं बनी हैं कुछ काम करते करते। उस दिन तो बताया गया था कि पंचायत चल रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं भी बैठी हुई हैं। साथ में आपको 2-3 और सेल्फी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो चलिए, तो ये हमारा सरस बिहार सरस 2023 का सेल्फी पॉइंट जो कि बहुत अच्छा है। बस हाँ यहाँ पर लाइट का बहुत दिक्कत होता है, डायरेक्ट सन पड़ता है। एंट्री हमारा काशी ब्लॉक से ही होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे हमारे क्रिसमस स्पेशल कैंडल्स, ठीक है? तो ये हमारा क्राफ्ट एज का है, यहाँ का आपको अगर फुल वीडियो चाहिए होगा तो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको क्रिसमस कैंडल्स मिल जाएंगे, बस कुछ ही दिन बाकी है क्रिसमस आने के लिए और साथ में आपको क्रिसमस कैंडल्स भी मिल जाएंगे। तो क्या है इसका प्राइस? 120। तो ये हमारा 120 का क्रिसमस कैंडल्स, साथ में आपको और भी वैरायटीज के कैंडल्स यहाँ मिल जाएंगे। ये चीज देखिएगा, ये बहुत ही यूनिक सा है हमारा, ये घास से बना है, पावदान है, टेबल मैट है, ये टेबल मैट है हमारा जो कि 200 का है, बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर सा यहाँ पे आपको टोलची वगैरह ये सब मिल जाएगा। ये देखिए बहुत बढ़िया है, एक ऐसा स्टॉल जहाँ पे आपको ना झारखंड का बहुत सारा ड्रेसेस मिल जाएंगे, रेड में बहुत सारे कलर में है। तो ये देखिए हमारे झारखंड का आया हुआ है गमछा वगैरह स्पेशल। कितने का होगा ये गमछा? गमछा 150 का है। बहुत सुंदर, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही कलरफुल भी है। ये कितने का होगा साड़ी?
1200 का है, वो सस्ता है लेकिन। सो यहाँ पे आपको डेकोरेटिव आइटम्स मिल सकते हैं, साथ में पेंटिंग्स वगैरह मिल जाएंगे। ये कौन सा पेंटिंग होगा, इस पेंटिंग को क्या कहा जाता है? लिपन आर्ट गुजरात का है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा खूबसूरत आपको मिल जाएगा। ये उभरा पेंटिंग है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। नॉर्मल हम लोग पेंटिंग करते हैं तो एक कागज में कर लेते हैं, बट इसमें ये उभर के दिखाया गया है, साथ में इसको अलग से कलर किया गया है, देख सकते हैं। सबसे कम प्राइस का क्या मिलेगा आपके स्टोर में? 500 से स्टार्ट होता है, 30,000 तक। ये देखिए यहाँ पे गणेश जी का आपको मिल जाएगा, ये 500 से स्टार्ट है यहाँ पे। छोटा कढ़ाई काफी प्यारा लग रहा है, काफी भारी भी है, सब लोहा का है ना। इसका क्या प्राइस होगा? 400। चाहिए देखिए 400 का आपको ये कढ़ाई मिल जाएगा, यार पूरा लोहा है। ये किलो वाइज मिलता है क्या? 300। अच्छा 300 रुपए किलो वाइज मिलता है यहाँ पे, और ये शायद किलो से ज्यादा का है तो ये 400 का मिल रहा है, पता नहीं। देखिए काफी भारी है यार, मतलब बहुत ज्यादा भारी है। सब यहाँ आपको लोहे का मिल जाएगा, कढ़ाई है, छोटा वाला पौना वगैरह जो कहा जाता है वो है, बड़ा कढ़ाई भी है, और छोलनी वगैरह मिल जाएगा बड़े बड़ा। पूरे मेले को एक्सप्लोर करना इज नॉट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कितने, मतलब 400-500 से ज्यादा कहीं स्टॉल वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, और सबको एक्सप्लोर करते करते या तो मेरा फ़ोन पूरा भर जाएगा, और या तो मैं पूरा थक जाऊंगी, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही चीज़ यहाँ पे आपको लगी है। यहाँ पे आपको बेडशीट वगैरह मिल जाएगा। स्टार्टिंग प्राइस कितने का होगा? 650 है डबल बेड, डबल बेड का 650, 350 से स्टार्टिंग है। 2000 से स्टार्टिंग। क्या लेंथ होगा इसका? इसका लेंथ आएगा 7.5-8.5। 7.5-8.5 आएगा, देख लीजिए बहुत सारा कलर भी आपको मिल जाएगा। ये स्टॉल इतना भीड़ लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है क्या है स्टॉल में, तो पता चल रहा है कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे टॉयज वगैरह है। अरे वाह, कहाँ से भैया जी? चित्रकूट धाम, उत्तर प्रदेश। अरे सारे टॉयज वहाँ के हैं। कितने से स्टार्टिंग प्राइस है? 20 रुपीज से स्टार्ट है। कितने साल के बच्चे से होगा स्टार्टिंग? कितने साल के बच्चे से स्टार्टिंग होगा? हमारे पास तो 4 महीने के बच्चे से स्टार्टिंग, 4 महीने के बच्चे से, 4 महीने के बच्चे से 15 साल के बच्चे के लिए मिल जाएगा जी। सबसे हाईएस्ट प्राइस में क्या होगा? ₹550। बच्चों के लिए लट्टू, बचपन की यादें ताजा कर दी आपने तो। मैजिक मैग्नेट, ये है मैजिक मैग्नेट, ये कितने का होगा? 150 का ही आपको मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत बुलेल। हाँ ये थोड़ा दिखाइएगा, ये देखिए बचपन में हम लोग यूज करते थे इसको फल तोड़ने के लिए, बड़ा मजा आता था। ये देखिए ये बच्चों के लिए कितना प्यारा सा है, ये कितने का होगा? ये 150 का है। 150 का, मतलब ज्यादातर आपके 150 का ही है, 150 का ही है। ये बहुत बढ़िया है महिलाओं लोग को डराने के लिए, बहुत ही प्यारा है, हम अपने फ्रेंड लोग को बहुत डराते थे। कितने का होता है? 50 का है, 100 का है, 50 का है। अरे वाह, ऐसा ऐसा है ना, मतलब बहुत सारा चीज पुरानी यादों को ताजा कर रही है। ये देखिए इसको क्या कहते हैं, यो-यो। हाँ यो-यो हनी सिंह के साथ आपको यहाँ यो-यो मिल जाएगा, काफी बढ़िया है, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही प्यारा प्यारा, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, गिफ्ट करने के लिए, उनको बिजी रखने के लिए। देखिए तीर कमान भी है, शॉट है बच्चों खेलने के लिए। देखिए ओ लगता है स्टील है मैम ये तो आप डरा ही दिए। अच्छा, अरे वाह, ये कोई बच्चा कर लेगा? 10 साल के बच्चे तक कर लेंगे, बहुत बढ़िया है। आप लोगों को भी अगर शौक है होम गार्डनिंग करने का, मतलब घर में पौधे वगैरह लगाने का, तो यहाँ बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन। तो आपको फूल चाहिए, फल चाहिए, या फिर मसाले वगैरह का चाहिए, सबको सबका मतलब पौधा आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये पालना घर है, यहाँ पे ना सिर्फ जो भी यहाँ पे सरस मेला में जिनका भी स्टॉल लगा, जो जीविका से जुड़े हुए हैं, उनके ही बच्चे यहाँ के खेल सकते हैं। अगर ऐसा कोई होता है जो घूमने आए यहाँ पे बाहर से, और वो लोग अपने बच्चे को यहाँ खिलवाना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो उन लोग को यहाँ बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा।
हमारा ये बिहार सर रसोई में ये यूनिक था हमारा। देखिए यहाँ पे आपको फिश बिरयानी मिल जाएगा, फिश बर्गर मिल जाएगा, साथ में फिश पिज्जा भी मिलने वाला है यहाँ पे। सबका प्राइस वहाँ पे लिखा हुआ है। और आज हमको नहीं मिलने वाला फिश पिज्जा यहाँ पे, कल से मिलेगा, कल से मिल जाएगा ना फिश पिज्जा, कल से मिल जाएगा आपको फिश पिज्जा यहाँ पे, साथ में और भी जो चीजें वहाँ पे लिखा हुआ है, फिश गोलगप्पा भी। अरे वाह, फिश गोलगप्पा भी मिलेगा। इतना यूनिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। यही समाप्त और लास्ट में तक कहूंगी, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, ऐसे प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। बाकी देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा।